नमस्कार, मैं आदित्य सिंह। अगर आप मुंबई की तरफ से विरार की ग्लोबल सिटी की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि ग्लोबल सिटी की जो सड़कें हैं वो लगातार दुर्घटनाओं को दावत दे रही हैं। ऐसी सड़कें हैं जिस पर चलने या वाहन चलाने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, ये इलाका है ग्लोबल सिटी का। नाम सुनकर बड़ा ही अच्छा लगता है कि ग्लोबल सिटी। आपको बता दें, इस इलाके में काफी सारी रिहायशी बिल्डिंग्स हैं। इस इलाके की आबादी तकरीबन 30 से 40 हजार की थी। इस इलाके में मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और सड़क जैसी असुविधाओं की भरमार है। वैसे विरार की सड़कों की हालत तो आपसे छुपी नहीं होगी। इसके अलावा आपको बता दें, अगर विरार के ग्लोबल सिटी की बात की जाए सड़कों को लेकर, तो यहाँ की सड़कें साल के 12 महीना इस तरीके की होती है कि हमेशा यहाँ पर दुर्घटना होने के आसार बने रहते हैं। अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं या खासकर आप यहाँ से वाहन चला रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही जटिल समस्या हो सकती है। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये तस्वीरें ग्लोबल सिटी की सड़कों की है। किस तरीके से गिट्टी का जिस तरीके से पैच मारा गया है, वो पैच सिर्फ और सिर्फ गिट्टी डालकर मारा गया है। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हाथ लगाने के बाद वो पूरी गिट्टी निकल कर हाथ में आ जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर अगर कोई गाड़ी गुजरती है या कोई स्कूटी चालक अगर टर्न लेने की कोशिश करता है तो किस तरीके की दुर्घटना उसके साथ हो सकती है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। आपको बता दें कि जो विरार से ग्लोबल सिटी की तरफ जोड़ने वाला मार्ग है, बीच में वाईके नगर के पास सुबह से ही स्कूटी चालकों के लगातार कई बार गिरने की दुर्घटनाएं सामने आई। ऐसा स्थानिकों का कहना है, हद तो तब हो गई जब हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक स्कूटी चालक बहुत ही स्लो स्पीड में जाते हुए वहां से टर्न लेते हुए किस तरीके से गिर पड़ा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि किस तरीके से ये दो युवक खराब सड़क के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गए, चोटिल हो गए। इस पूरे मामले पे स्थानिकों ने प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। देखो, अभी जिम्मेदार तो कौन है वो तो सभी पब्लिक को भी मालूम है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो हादसे हो रहे महानगर पालिका की वजह से हो रहे हैं। आज वसई विरार महानगर पालिका ने कुछ नहीं किया है। इतना रास्ते का जो खर्चा आज पैसा माली मिल रहा है, उन्होंने ठीकरे शब्द, मतलब हमारी सादी भाषा में ठीकरे शब्द मार के रख दिए हैं उन्होंने। आगे भी उधर खड्डा था, वो भी उन्होंने पूरा भरा नहीं है, और जो ये कपची भरी हुई है उन्होंने, उन्होंने रास्ता बिल्कुल बनाया नहीं है। जगह है एक्सपर्ट स्कूल के उधर की है, वाईके नगर एनेक्स बोलते हैं, जो एक्सपर्ट स्कूल जाने का रास्ता है। इधर से सुबह बच्चे जाते हैं, सीनियर सिटीजन लोग जाते हैं, इधर का जो मेन रोड है ये जाने का रास्ता। लेकिन आप देख रहे हो रास्ते की हालत इतनी बदतर उन लोगों ने किया है कि वो पूरी कपची बनाई हुई है, और उन्होंने डामर भी नहीं डाला है। आप देख सकते हो, आप दिखा सकते हो पब्लिक को कि उन्होंने पूरी कपची डाली हुई है, बिल्कुल डामर का रास्ता उन्होंने बनाया नहीं है। मेरी तो मांग यही है कि वसई विरार महानगर पालिका से हम क्या मांग करेंगे, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। देखिए ना, रास्ते की हालत देखिए, आज बच्चे जाते, कल जाके बच्चे गिर गए, बच्चे को मतलब पैर में लगा, ये गला कौन जिम्मेदार? वसई विरार महानगर पालिका क्या जिम्मेदारी है उनकी? अगर जिम्मेदारी होती तो ये स्कूल जाने का रास्ता तो ऐसा बनाते ही नहीं ना। सुबह से यहाँ पे चार पाँच लोग यहाँ पे गिर गए हैं। हमारी पान की दुकान है यहाँ पे, तो सुबह से मैं देख रहा हूँ तो भाई लोग यहाँ पे गिर जा रहे हैं। यहाँ पे तो उनको कुछ रोड का कुछ काम चालू अच्छा करें तो अच्छा रहेगा, तो भाई लोग ना गिरें। ये तस्वीर और प्रतिक्रिया तो मात्र एक उदाहरण है, इसके अलावा ऐसे तमाम दुर्घटनाएं यहाँ पर होती रहती है। सड़क की तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे होंगे, इसके अलावा इस चैम्बर की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जो चौराहे पर है, बीच मार्ग पर है, उसके बावजूद इसकी मरम्मत नहीं की गई है। इसके अलावा विरार की ग्लोबल सिटी की बात कर ली जाए तो रात के समय में कई सारी स्ट्रीट लाइट बंद होने के चलते यहाँ पर काफी अंधेरा होता है, और अगर इस तरीके की सड़कें होंगी तो दुर्घटना होना तो लाजमी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या विरार के ग्लोबल सिटी की जनता टैक्स नहीं भरती? क्या यहाँ की जनता टैक्स पेयर नहीं है? और अगर भरती है तो क्या उसे परिणाम स्वरूप ऐसी सड़कें, इस तरह की स्ट्रीट लाइट्स और इस तरह के चेम्बर्स मिलने चाहिए? आखिर कब महानगर पालिका नींद से जागेगी और कब असुविधाओं की भरमार वाला ग्लोबल सिटी सुविधाओं के साथ दोबारा से जी पाएगा?